देखो आज सब कर रहे रिगिंग इन माया. रिगिंग मीन्स बाइंड अप ऑफ व्हीकल्स एंड कैरेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड्स एंड कंट्रोलर्स इज नोन एज रिगिंग. तो माया में जो रिगिंग होती है वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से होती है. अब लिखते हैं एलिमेंट्स ऑफ रिगिंग. सबसे पहला एलिमेंट है बॉन्ड्स. देन दूसरा एलिमेंट है आईके. आईके की फुल फॉर्म है इनवर्स काइनेमेटिक्स. एफ के फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स. देन कंट्रोलर्स कनेक्शन एडिटर एक्सप्रेशन एडिटर. जैसे फ्लैश में स्क्रिप्टिंग होती है ना, वैसे यहां पे भी हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे जिसे बोलते हैं एक्सप्रेशन एडिटर. बनी बनाई भी होती है, लिखनी भी पड़ती है. फंक्शंस होते हैं बने बनाए, हमें उसे जोड़ जोड़ के लिखना पड़ता है क्लिक कर करके. ड्राइवन की अब जो एक्सप्रेशन हम टाइप करेंगे उसे डायरेक्ट बना भी सकते हैं ड्राइवन की में. जैसे HTML होता है ना, HTML का एक वर्जन आता है जिसे बोलते हैं ड्रीम व्यूवर. HTML हमें नोटपैड भी लिखनी पड़ती है, ड्रीम व्यूवर में हमें मर्जी होती लिखो या क्लिक करके टैग अपने आप टाइप हो जाते हैं. वैसे ही इसमें होता है, अगर आपको टाइप नहीं करना तो वही काम आप ड्राइवन की से भी करा सकते हो, उसमें टाइप नहीं करना पड़ेगा. देन कंस्ट्रेंट्स, ये धीरे धीरे हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. देन HIK देन FBIK फुल बॉडी IK देन मसल प्लग इन इन सबकी हेल्प से रिगिंग होगी. तो धीरे धीरे सेशन वाइज हम ये सारी चीजें करेंगे. ये टोटल एलिमेंट हमें रिगिंग में मिलेगा, सारे एलिमेंट्स हमें रिगिंग में मिलेंगे, लाइक कंस्ट्रेंट, तो सबसे पहले हम करते हैं जॉइंट्स. यहां पे है क्रिएट जॉइंट्स, इसको बोलते हैं बॉन्ड्स. जैसे हमारे अंदर बॉन्ड्स है ना, हम कैरेक्टर के अंदर भी यही वाली बॉन्ड्स लगाएंगे. बॉन्ड्स, बॉन्ड्स के बाद आता है स्किनिंग. जब कैरेक्टर के अंदर हम बॉन्ड्स लगाएंगे तो उस बॉन्ड्स को कैरेक्टर के मैश के साथ, मतलब कैरेक्टर के हाथ के साथ पैर के साथ बाइंड भी कराना होता है, उसे बोलते हैं स्किनिंग. डिफॉर्मर्स मैंने बताया, ये यहां मिलेंगे आपको कंस्ट्रेंट. तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आज का टॉपिक हम यूज करेंगे एक्सप्रेशन एडिटर. एक्सप्रेशन एडिटर सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट चीज है. हर रिगिंग में एक्सप्रेशन जरूर यूज होगा, चाहे वो कार रिग हो चाहे वो कैरेक्टर रिग हो.
ठीक है, मान लो मैं इसको घुमाऊं तो ये ऊपर नीचे हो, ये ऊपर हो, इसे इधर घुमाए तो ये ऊपर हो, इधर घुमाए तो नीचे हो। तो इसके लिए विंडो में जाना, एनिमेशन में जाना एंड आना एक्सप्रेशन एडिटर। ये स्क्रिप्ट एडिटर होता है माया का। अब इसमें कैसे काम करेंगे, इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है ओबीजे नेम, मतलब ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट एट्रीब्यूट, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, मान लो इसका नाम है CTRL कंट्रोलर। मैं चाहता हूं CTRL कंट्रोलर इसका नाम देना, तो मैंने नाम दे दिया। तो क्या नाम है ऑब्जेक्ट का, CTRL, फिर डॉट लगाना है, फिर एट्रीब्यूट। दिस ऑल थिंग्स आर एट्रीब्यूट्स, ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल, ठीक है, ये सब है एट्रीब्यूट। आप अपने कस्टम एट्रीब्यूट्स भी बना सकते हो। कैसे, एडिट में जाना, यहां पे ऐड, ऐड एट्रीब्यूट, मतलब ये जो आपको एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं कितने दिख रहे हैं, 10 दिख रहे हैं, आप इसके बाद भी बढ़ा सकते हो। और कुछ एट्रीब्यूट्स हिडन होते हैं, कहां पे मिलेंगे हिडन एट्रीब्यूट, एडिट में जाना, चैनल कंट्रोल्स में जाना, ये आपको दिख रहे हैं रोटेट, स्केल, ट्रांसलेट, विजिबिलिटी आपको दिख रही है, और कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो हिडन होते हैं। देखो ये हिडन है, जैसे मुझे दिखाने शेयर दिखाना है, इधर मूव कर दो, देखो क्या ऐड हो गया, शेयर। शेयर क्या करेगा, स्क्यू करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होते, इसलिए माया नहीं, ये हाइड किए में, इससे हाइड होता है, इससे शो होता है, समझ आया। जैसे आपको विजिबिलिटी यूज नहीं करनी तो आप इसे हाइड कर दो, गायब हो गया विजिबिलिटी। स्केल यूज नहीं करना, गायब कर दो। हमें क्या यूज करना है, ओनली रोटेट, तो ट्रांसलेट भी गायब कर सकते हो, समझ आया। तो शो इससे होगा, वापिस शो कर दो। अब मान लो आपको अपना बनाना है अपने नाम से, तो एडिट में आता है ऐड, इससे आप अपने नाम का जोन से मर्जी एट्रीब्यूट बना सकते हो। मान लो अपना नाम दे दो अंकुश, ठीक है, मैं चाहता हूं अंकुश काम करे -10 से +10 तक, ओके कर दो। देखो क्या आया यहाँ पे, अंकुश नाम का एट्रीब्यूट आ गया, इसे बढ़ाओ घटाओ, 10 से लेके -10 तक जा पाएगा, क्योंकि मैंने वैल्यू ही तो नहीं दी है। मान लो आपको ये एडिट करना पड़ जाता है, अभी से बढ़ाने घटाने पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने बाइंड नहीं किया। मान लो इसे एडिट करना है, एडिट करने के लिए आता है एडिट एट्रीब्यूट, नाम चेंज करना है नाम चेंज कर दो, वैल्यू मैं चाहता हूं -10 से 500 तक जाए, तो ये माइनस में -10 से ज्यादा नहीं जाएगा और 500 से ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। और डिलीट एट्रीब्यूट भी कर सकते हो, डिलीट हट गया। तो सबसे पहले मैं सिखाता हूं कि एट्रीब्यूट से कैसे बाइंड करना है। एट्रीब्यूट क्या, मैं चाहता हूं इसकी रोटेशन, इसकी वाई रोटेशन। किसी भी चीज को बाइंड करने से पहले, रिगिंग करने से पहले, एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं फ्रिज। फ्रिज मींस इसको मैं 0 0 कर रहा हूं, तो कहां जा रहा है, ओरिजिन पे, मतलब ये इसका बर्थ प्लेस है। बर्थ प्लेस मतलब इनिशियल वैल्यू, मैं चाहता हूं इसकी बर्थ वैल्यू ये बन जाए, मतलब 0 0 करने पे यहां ना जाए यहां जाए, तो आप इसी को इनिशियल कर सकते हो। कैसे, मॉडिफाई में फ्रिज कर दो, ये इसकी इनिशियल बन गई। अगर आप इसको 0 0 करोगे तो इसका ओरिजिन है,
तो अपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना, आप पहले फ्रिज करना मत भूलना, रिगिंग में फ्रिज ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रिज रोटेशन अलग अलग भी कर सकते हो, फ्रिज में जाओ, मान लो आपको रोटेशन नहीं करना, इसका नाम है कंट्रोल और मैं चाहता हूं रोटेट वाई कैपिटल, एक्सेस हमेशा कैपिटल में लिखेंगे, इसको बाइंड करना। तो क्या करना, विंडो में जाओ, एक्सप्रेशन में जाओ, इसका नाम दे दो बॉक्स। पेरेंट कौन है, पेरेंट ये है, पेरेंट हमेशा बाद में लिखते हैं, पहले चाइल्ड लिखते हैं। तो नाम दो बॉक्स डॉट ट्रांसलेट, मैं चाहता हूं इसका अप डाउन वाई एक्सिस का इक्वल टू में लिखो पेरेंट, पेरेंट का नाम है कंट्रोल डॉट रोटेट वाई, ये हमारा फॉर्मूला है। पहले लिखेंगे चाइल्ड का नाम, फिर लिखेंगे पेरेंट का नाम। अगर किसी को किसी से बाइंड कराना है ना, तो हमेशा फार्मूला यूज होगा चाइल्ड इक्वल टू पेरेंट, मतलब पेरेंट को कंट्रोल करने पे चाइल्ड चले। तो चाइल्ड है हमारा बॉक्स, ऑब्जेक्ट का नाम बॉक्स, एट्रीब्यूट है ट्रांसलेट वाई, इक्वल टू पेरेंट का, पेरेंट का नाम है कंट्रोल, ऑब्जेक्ट नेम, देन एट्रीब्यूट रोटेशन वाई। टाइप किया एक्सप्रेशन एडिटर में, टाइप किया यहाँ पे, क्रिएट कर दिया। अब देखोगे बॉक्स का वाई एक्सिस क्या हो गया, पर्पल। तो एक्सप्रेशन एडिटर का कलर साइन है पर्पल। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे एक्सप्रेशन है, कहाँ पे कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट का येलो, समझ आया। अब ये पर्पल तो हो गया, ये पर्पल तो हो गया, घुमाने पे क्या हो रहा है, काम भी कर रहा है क्योंकि बाइंड हो चुका है, समझ आया। फिक्स कर सकते हो, हाँ लिमिट लगा सकते हो। अब देखो अगर आपको लिमिट लगाना है y एक्सिस का, तो कंट्रोल ए फॉर एट्रीब्यूट एडिटर, इसके अंदर आएगा आपका लिमिट इंफॉर्मेशन। आप रोटेट ट्रांसलेट स्केल तीनों में लिमिट लगा सकते हो, हमें लगानी है y में, रोटेट में y में। इसे ऑन कर दो माइनस, मैं चाहता हूँ माइनस 90 से और प्लस 180 तक ही चले। तो ये माइनस देखो, इससे ज़्यादा घूम ही नहीं रहा और इससे ज़्यादा भी घूम नहीं रहा, लिमिट लग गई है, समझ आया, लिमिट लग चुकी है। इससे ज़्यादा घूमेगा ही नहीं, कुछ भी कर लो। अब देखो इतना रोटेट करने पे बहुत स्पीड बहुत तेज है बॉक्स की, तो अगर आपको स्पीड स्लो करनी हो तो आप डिवाइड कर दो जितने मर्जी से, 12 गुना स्पीड कम हो जाएगी डिवाइड लगा दोगे, और मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड की जगह एस्ट्रिक्स, ठीक है। पर अब हमने ये एक्सप्रेशन दे दिया, इसको मिल नहीं रहा, वो एक्सप्रेशन हमने दे दिया था ना, क्रिएट कर दिया, गायब हो गया, तो यहाँ मिलेगा एक्सप्रेशन नेम में ये रहा। डिवाइड कर दोगे तो स्पीड 10 गुना कम हो जाएगी, अब देखो स्पीड कम हो गई, अब 50 गुना कम करनी है, 50 गुना करके एडिट कर दो। अब देखो पहले कितनी तेज स्पीड थी, अब कितनी स्लो है, समझ आया। तो ये था एक्सप्रेशन एडिटर का इंटरफेस, आप इसको करो, इसके थ्रू कुछ प्रैक्टिस करो, फिर हम अगले सेशन में